और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरा टेस्ट का दूसरा दिन इंडिया ओवरनाइट स्कोर 300 रन से अपना इनिंग्स शुरू किए। 90 ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को दिन का पहला झटका मिला। अक्षर पटेल फ्लाइटेड डिलीवरी ऑन ऑफ मिडिल गेंद पर मिड ऑफ के दिशा में ड्राइव करने का प्रयास किए, लेकिन मिस होकर स्टंप आउट हो गए। मोइन अली के लिए इनिंग्स का तीसरा विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा फुल टॉस ऑन मिडिल गेंद को स्वीप करने का प्रयास किए, लेकिन एज होकर गेंद हवा में उछलकर सीधे रोरी बंस के हाथ पर और वे कैच आउट हो गए। मोइन अली के लिए इनिंग्स का चौथा विकेट। 91 ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत मिडिल ऑन गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भारी छक्का लगाए और यह दिन का पहला बाउंड्री। अगली ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत फुल टॉस ऑन ऑफ गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में चौका लगाए। उसी ओवर की अगली गेंद पर ऋषभ पंत फुल टॉस ऑन मिडिल गेंद को मिड ऑन के ऊपर से चौका लगाए। पंत द्वारा बैक टू बैक बाउंड्रीज। और उसी ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत क्विक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किए। 94 ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत फुल ऑन ऑफ गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाए। 96 ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव गुड लेंथ ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए, लेकिन आउटसाइड एज होकर सीधे बेन फॉक्स के हाथ पर गया और वे कैच आउट हो गए। ऑली स्टोन के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज शॉर्ट आउटसाइड ऑफ गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका लगाए और अगली गेंद पर मोहम्मद सिराज स्टोन के गेंदबाजी में बेन फॉक्स को कैच देकर आउट हो गए। ऑली स्टोन के लिए इनिंग्स का तीसरा विकेट। इसी के साथ भारत 95.5 ओवर में 329 रन बनाकर अपना इनिंग्स समाप्त किए। भारत के बल्लेबाजों में ऋषभ पंत आज के दिन अपना अर्धशतक पूरा किए। वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों में मोइन अली 128 रन देकर 4 विकेट लिए, स्टोन 47 रन देकर 3 विकेट लिए, जैक लिच 78 रन देकर 2 विकेट लिए और कप्तान रूट 23 रन देकर 1 विकेट लिए। इंग्लैंड को इनिंग्स के शुरुआत में ही बड़ा झटका। पहली ओवर की तीसरी गेंद पर रोरी बर्न्स गुड लेंथ ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए, लेकिन LBW के रूप में आउट हो गए। ईशांत शर्मा के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली फुल ऑन मिडिल गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। पांचवी ओवर की तीसरी गेंद पर डॉम सिबली फुल ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड किए, लेकिन आउटसाइड एज होकर थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री गया। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर डॉम सिबली फुल मिडिल ऑन गेंद को फ्लिक करते हुए मिड विकेट के जरिए चौका लगाए, लेकिन 8 ओवर की दूसरी गेंद पर डॉम सिबली फ्लाइटेड ऑन मिडिल गेंद को स्वीप करने का प्रयास किए और एज होकर हवा में उछलकर सीधे कोहली के हाथ में गया और वे कैच आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। 11 ओवर की तीसरी गेंद पर जॉय रूट स्वीप करने का प्रयास किए, लेकिन एज होकर शॉर्ट फाइन लेग दिशा में अश्विन के हाथों में गया और वे कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल के लिए इनिंग्स का पहला विकेट और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। सेशन के आखिरी गेंद पर डेन लॉरेंस अराउंड ऑफ मिडिल गेंद को डिफेंड किए, लेकिन शॉर्ट फाइंड लेग फील्डर शुभमन गिल कैच पकड़कर उन्हें आउट किए। इसी के साथ इस सेशन में इंग्लैंड 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में जॉय रूट केवल 6 रन बनाकर निराश करे और टॉप ऑर्डर पूरे फेल हो गए। और वही भारत के गेंदबाजों में अश्विन 2 विकेट और ईशांत एवं अक्षर पटेल 1-1 विकेट लिए। दूसरे सेशन में 20 ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक शॉर्ट मिडिल ऑन गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग दिशा में चौका लगाए और 24 ओवर की दूसरी गेंद पर ही बेन स्टोक गुगली ऑन ऑफ गेंद को डिफेंड करने की कोशिश किए, लेकिन क्लीन बोल्ड होकर आउट हो गए।
रविचंद्रन अश्विन के लिए इनिंग्स का तीसरा विकेट। 25 ओवर की तीसरी गेंद पर ओली पॉप शॉर्ट ऑन ऑफ गेंद को पॉइंट क्षेत्र में बाउंड्री लगाए। 32 ओवर की पांचवी गेंद पर बेन फोक्स टॉस अप ऑन मिडिल गेंद को फील्डर के मध्य में ड्राइव करके चौका लगाए। 36 ओवर की चौथी गेंद पर बेन फोक्स कुलदीप यादव की गेंदबाजी में मिड ऑफ रीजन में बाउंड्री लगाए। 39 ओवर की पहली गेंद पर ओली पॉप मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में फाइन लेग दिशा में खेलने का प्रयास किए, लेकिन ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें आउट किया। मोहम्मद सिराज के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। 44 ओवर की तीसरी गेंद पर मोइन अली फ्लोटेड ऑन ऑफ गेंद को बिंदु के माध्यम से चौका लगाए। 49 ओवर की पहली गेंद पर मोइन अली फ्लोटेड अराउंड ऑफ गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए, लेकिन आउटसाइड एज होकर सीधे अजिंक्य रहाणे के हाथ पर और वे कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। और अगली ओवर की दूसरी गेंद पर ऑलस्टार मिड ऑन फील्डर रोहित शर्मा को आसान कैच देकर आउट हो गए। इसी के साथ दूसरा सेशन समाप्त हुआ। इस सेशन में इंग्लैंड 31.2 ओवर में 4 विकेट को खोकर 67 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में बेन फोक्स के अलावा सारे बैट्समैन रन बनाने में असफल रहे और भारत के गेंदबाजों में सारे गेंदबाज शानदार प्रदर्शन देकर इंग्लैंड को पीछे रखे। तीसरे सेशन में 53 ओवर की आखिरी गेंद पर जैक लीच टॉस अप ऑन ऑफ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लगाए। 59 ओवर की तीसरी गेंद पर बेन फोक्स गुड लेंथ ऑन ऑफ गेंद को थर्ड मैन क्षेत्र में चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर जैक लीच गुड लेंथ गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किए, लेकिन ऋषभ पंत कैच पकड़कर उन्हें आउट किए। ईशांत शर्मा के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। और अगली ओवर की पांचवी गेंद पर स्टुअर्ट बोल्ट अश्विन की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। इसी के साथ इंग्लैंड का पहला इनिंग्स समाप्त हुआ। इंग्लैंड अपने पहले इनिंग्स में 59.5 ओवर में 134 रन बनाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों में बेन फोक्स अजय रहकर 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत के गेंदबाजी में फिर एक बार अश्विन 5 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी किए। साथ ही ईशांत शर्मा और अक्षर पटेल 2-2 विकेट लिए और मोहम्मद सिराज 1 विकेट लिए। दूसरे इनिंग्स में भारत तीसरी ओवर की पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट ऑन मिडिल गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए। पांचवी ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा मोइन अली की गेंदबाजी में कवर के माध्यम से चौका लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल अराउंड मिडिल लेग गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भारी छक्का लगाए। छठी ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा टॉस अप ऑन मिडिल गेंद को डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में चौका लगाए। 12 ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल जैक लीच की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। जैक लीच के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। 14 ओवर की आखिरी गेंद पर चतेश्वर पुजारा शॉर्ट एंड वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में बाउंड्री लगाए। दूसरा दिन खत्म होने तक भारत दूसरे इनिंग्स में 18 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बनाए और अभी भारत 249 रनों से लीड पर है। भारत के बल्लेबाजों में शुभमन गिल 14 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रोहित 25 रन एवं चतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। इंग्लैंड के गेंदबाजों में जैक लीच 1 विकेट लिए।